ऐसे कुछ डिजीजेस या मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है, उनमें से सबसे कॉमन कंडीशन है डायबिटीज। तो क्या ये डायबिटीज और हेयर लॉस का कनेक्शन है? आज हम यही कनेक्शन देखने की कोशिश करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। डायबिटीज की वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। इस कंडीशन की वजह से बॉडी में जो अलग अलग चेंजेस होते हैं उनकी वजह से हेयर लॉस एक रिपोर्टेड साइड इफेक्ट है। डायबिटीज में आपके बॉडी के इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है और उससे इफेक्टिवली यूज नहीं किया जाता है। डायबिटीज के मेनली दो टाइप्स होते हैं, डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1, उसमें आपके इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और इंसुलिन नहीं बनता है। और इंसुलिन डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, मतलब आपके बॉडी इंसुलिन तो तैयार करती है लेकिन सेल्स उसको यूज नहीं कर पाते। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है, उसका मदद करता है और बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब और एनर्जी क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ब्लड शुगर के हाई लेवल्स की वजह से आपके बॉडी अलग अलग ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। इसमें आपके किडनीज, नर्व्स और ब्लड वेसल्स का जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो डेफिनेटली अफेक्ट होता है, ये प्रूवन है। यही माना जाता है कि हेयर के भी माइक्रो सर्कुलेशन को अफेक्ट करके उसमें न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, अब्रप्टली, और हेयर का ग्रोथ अफेक्ट होता है डायबिटीज में। इसे वजह से फिर डायबिटीज में हेयर प्रीमैच्योरली झड़ने लगते हैं, जिसे हम टेलोजन इफल्विम कहते हैं। ब्लड शुगर को मैनेज करके हेयर लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज में फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस भी होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। कई लोगों में डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम के कंडीशन से एसोसिएटेड होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हार्ट डिजीजेस और डायबिटीज का इंक्रीज इंसिडेंस होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका कमर का जो घेर होता है वो ज़्यादा होता है, या हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनमें होता है उन पेशेंट्स में हेयर लॉस का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें एलोपेशिया एरियाटा नाम का कंडीशन भी बहुत बार हो सकता है। दोनों ऑटो इम्यून कंडीशन जब होते हैं टाइप 1 में, तब स्पेशली ये रिलेशन ज़्यादा हो सकता है। एलोपेशिया एरियाटा में आपके इम्यून सिस्टम जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को अटैक करती है और इसके पैचेस बनाती है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन में आपके स्कैल्प बॉडी में कॉइन साइज जैसे पैचेस होते हैं जिसमें बाल झड़ते हैं। स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज और एलोपेशिया का रिलेशन बहुत सारे लोगों में पाया गया है। डायबिटीज में हेयर थिनिंग या हेयर लॉस कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन आते हैं कभी कभी उनसे हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है उनको इन्फेक्शन का ज्यादा प्रोन होता है, उनको इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो सकते हैं इन लोगों में वो हील होने में ज्यादा टाइम लगता है। स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से फिर हेयर लॉस हो सकता है। काफी हद तक ये कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है इस टाइप का हेयर लॉस कंट्रोल या रिवर्स करने के लिए आपके उसके रूट कॉज को जाना पड़ेगा, डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ता है। कई सारे मेडिसिन होते हैं जो हम डायबिटीज में लेते हैं, तो इस मेडिसिन की वजह से अगर हो रहा है तो आपके डॉक्टर को आपको पूछना चाहिए कि अगर हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली आपके मेडिसिन अल्टर कर सकते हैं हम। आपको डाइट कंट्रोल में रख के आपका ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में लाना होगा, लो कैलोरिक डाइट, स्वीट्स अवॉइड करना, एक्सरसाइज करना, इन सब चीज़ आप जब करेंगे और आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा तभी आपको ये प्रॉब्लम जो हो रहा है वो कंट्रोल में आ सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपका स्कैल्प में इम्प्रूव होने में मदद होगा और फिर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई ये रिटर्न हो जाएगा एंड देन हेयर लॉस आपका जो टीलोजन इफल्विम है वो कंट्रोल में आ सकता है। मिनोक्सिडिल भी हेल्प करता है कुछ हद तक इसको रिवर्स करने में। आपके अगर बाल झड़े हैं उनको वापस ग्रो करना है, उनका ग्रोथ स्टिमुलेट करना है, तो वेरियस प्रोसीजर्स जैसे कि PRP, मेसोथेरेपी, लो लेवल लेजर लाइट, माइक्रो नीडलिंग, ये सब ट्रीटमेंट्स हेल्प कर सकते हैं आपके जो हेयर जो टीलोजन फेज में गए हैं उनको वापस एनेजन में लाने के लिए। आप ये सारी चीज़ें आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, आपके डायबिटीज़ के जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, उनसे डिस्कस कीजिए और फिर
कौन सी वजह से आपको अगर डायबिटीज में हेयर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये फाइंड आउट करने का, आपके डॉक्टर्स आपकी मदद कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर वो ट्रीट भी कर सकते हैं आपको। अगर कोई और कोई इस डायबिटीज और हेयर लॉस के बारे में क्वेश्चन है तो हमें जरूर पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको ये आंसर हम कर पाए। आपके क्वेश्चंस नीचे हमारे कमेंट्स में ऐड कीजिए, लिखिए, हम उनको पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको अगर कुछ सजेशंस है वो भी हमें बताइए। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।